हाय क्वींस, कैसी हैं मेरी क्वींस? आई एम श्योर हम सब बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं और प्यार भरी हवा में तैर रहे हैं, क्योंकि ये है वैलेंटाइन्स वीक। भाई बचपन में तो जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो वैलेंटाइन्स वीक का अपना ही एक अलग चार्म होता था। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ही तरह मेरी बहुत सारी क्वींस इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार करती होंगी कि शायद कोई चोरी छुपे हमें फ्लावर्स भेज दे, कोई गिफ्ट्स भेज दे। लेकिन ऐसा कभी कुछ होता नहीं था। चलिए फाइनली जब हम इस मुकाम पर हैं कि हम एक दूसरे की वैलेंटाइन बन सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार, कंपैशन, शांति शेयर कर सकते हैं, तो क्यों ना एक दूसरे के साथ मिलकर वैलेंटाइन्स वीक बनाया जाए। क्वींस, क्या कहती हो? फटाफट से इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे जरूर बताना कि इस बार तुमने किसको अपना वैलेंटाइन चुना और क्यों, और कैसे तुम मनाने वाली हो अपना वैलेंटाइन्स डे थर्सडे को। लेकिन भाई कैसे भी मनाओ, थर्सडे को मेरे साथ लाइव आना मत भूलना सोचकर सोचो सेशन में यूट्यूब पर। हमें अपना वैलेंटाइन्स डे अलग स्टाइल में मनाना है इस बार, ठीक? क्वींस, क्या है प्यार, क्या है कंपैशन, और क्यों हमें ऐसा लगता है कि आजकल की दुनिया में जहां हर कोई एक रेस में भाग रहा है, आगे बढ़ने की होड़ में भाग रहा है, स्पेशली हम क्वींस अपने अस्तित्व को बनाने में, ढूंढने में, अपने शख्सियत को आगे दिखाने में दुनिया में, तो हम भी कहीं ना कहीं दौड़े जा रही हैं और कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स, हमारे भाव, प्यार, एक दूसरे को समझने की इच्छा, एक दूसरे के साथ टाइम बिताने की इच्छा कहीं ना कहीं दूर पीछे चली जा रही है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखते हैं। साइड इफेक्ट्स जैसे कि डिप्रेशन, जैसे कि अन्य मानसिक त्रुटियां जो आजकल चल रही हैं हम क्वींस में, स्पेशली हम भारतीय क्वींस में, क्योंकि हम रैंक वन है दुनिया भर में मानसिक त्रुटियों के केसेस में। ये मैंने तब जाना जब मैं खुद पैनिक अटैक्स से गुजर रही थी और मैंने देखा जाना कि लाइफ में कई बार बिना किसी रीजन के ही हम लोग किसी न किसी मेंटल एलिमेंट का शिकार होती चली जाती है। ऐसा क्यों है, क्या है जो लाइफ को इतना ज्यादा अनबैलेंस्ड, इतना ज्यादा इम्बैलेंस सिचुएशन के अंदर ला रहा है? कैसे करें हम अपने वर्क एंड लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं लेकिन मैं मानती हूं कि वर्क भी लाइफ का ही एक पार्ट है, तो कैसे करें हम प्रोफेशनल, पर्सनल, हर तरीके की लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट, जिसके वजह से हम अपने आप को संपूर्ण महसूस कर पाएं, हम अपने आप को खुश महसूस कर पाएं, मोर एट प्लेस महसूस कर पाएं, शांति में और कंटेंटफुल महसूस कर पाएं, सैटिस्फाइड फील कर पाए कि हाँ हमने लाइफ को जीना शुरू कर दिया है, एक एक पल को खुलकर आंख कान नाक खोलकर जीना शुरू कर दिया है। कैसे महसूस कर सकते हैं हम ये एक इतने ह्यूजली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट के अंदर? चलो कॉम्पिटिटिव से बात आती है कॉम्पिटिशन के ऊपर। क्या है कॉम्पिटिशन और क्या इस कॉम्पिटिशन में, इस रेस में हिस्सा लेना जरूरी है? क्या कॉम्पिटिशन में अव्वल आना या लास्ट आना या सक्सेसफुल होना, फेलियर होना कहीं मायने रखता है हमारे लिए, हम क्वींस के लिए या एज अ होल ह्यूमैनिटी के लिए? क्वींस जब से हम जन्म लेती हैं, मैंने आज सुबह आप लोगों के साथ एक अपना विचार यूं ही बस शेयर कर दिया था कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हमें हर सिचुएशन को, हर इंसान को अपने मापदंड के तराजू में नहीं तोलने बैठना चाहिए और लेबलिंग से बचना चाहिए। हम बहुत जल्द एक छोटे से इंसिडेंट, एक छोटी सी वार्तालाप या किसी अन्य से, किसी और के बारे में कुछ सुने हुए भावों के ऊपर उस इंसान पर, उस परिस्थिति पे बड़े बहुत ही सहूलियत से एक टैग चिपका देते हैं कि ये गलत जगह है, ये इंसान गलत इंसान है, ये औरत इसकी नजर लग जाती है, ये जो इंसान है ये इंसान हमेशा झूठ बोलता है, ये जो परिस्थिति है ये परिस्थिति में कभी भी नहीं फंसना चाहिए, परिस्थिति कुछ नहीं देती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम बहुत सारे टैग्स लगा देते हैं अपने चारों तरफ और उसी हिसाब से हमारा वर्ल्ड हमारे चारों तरफ कंस्ट्रक्ट हो जाता है। हमारे खुद के परसेप्शंस के हिसाब से हम अपने चारों तरफ के संसार को बना लेते हैं। अब हाँ, इस पर मेरी बहुत सारी क्वींस ने मुझे कहा कि डॉक्टर शिवांगी, इसमें हमारी क्या गलती है? हम जैसे ही पैदा होते हैं, पैदा होते साथ ही हमारे माँ बाप हमें अलग अलग तरीके के परसेप्शंस
इंट्रोड्यूस करते हैं, हमें अलग अलग तरीके की जजमेंट्स देते हैं, बेटा ऐसा इंसान गलत है, ऐसा इंसान सही है, ये सिचुएशन गलत है, ये वाली आंटी गलत है, ये वाली ताई गलत है, ये वाली ये गलत है, ये वाली वो गलत है। हर तरीके से हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें बहुत सारे अलग अलग तरीकों से अपनी लाइफ को शेप अप करना सिखाते हैं। तो अब आके इतने बड़े होके आप हमें कह रही हैं कि जजमेंट मत करो, लेबलिंग मत करो, हर इंसान को इक्वल मौका दो, तो ये हम कैसे करें ऑल ऑफ अ सडन? हाउ इज इट पॉसिबल डॉक्टर शिवांगी? तो मैंने इस वैलेंटाइन्स वीक का उपयोग करना सही समझा इस बात को तुम तक पहुंचाने में, बड़े प्यार प्यार से, बड़े ही सुंदर भाव के साथ, कि क्वींस इस कॉम्पिटिशन वाली दुनिया में हर चीज, हर परसेप्शन, हम जैसे ही बर्थ लेते हैं हमें बताया जाता है कि पावर बाहर है, हर तरीके की ताकत बाहर है। अगर तुम्हें ताकत हासिल करनी है तो तुम पढ़ाई करो, अगर तुम्हें ताकत हासिल करनी है तो तुम काम करो, जॉब करो, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो। तुम्हें ताकत हासिल करनी है तो तुम अपने आप को अपने प्रोफेशन में ऊपर लेके जाओ। तुम्हें ताकत हासिल करनी है तो तुम अपनी आवाज का थोड़ा भारीपन बढ़ाओ, थोड़ा चिल्लाना सीखो लोगों पर, लोगों को थोड़ा दबाना सीखो, उनको उनकी औकात याद दिलाना सीखो कि किसका क्या स्टैंड है तुम्हारे सामने। इन तमाम चीजों का केवल एक भाव, एक अर्थ निकलता है क्वींस, कि हम हर तरीके की पावर को एक्सटर्नल समझते हैं, हमसे अलग समझते हैं, हमसे बाहर समझते हैं। और जब हम इस होड़ में, ताकत पाने की इस होड़ में भागते भागते, ताकत एकत्रित करते हुए, इकट्ठी करते हुए थक जाती हैं, तो हमारी लाइफ में हम पीछे मुड़कर देखती हैं तो देखते हैं कितना बड़ा इम्बैलेंस आया हुआ है, कितना तरीके से तराजू हिला हुआ है, हमारी तो पूरी लाइफ ही अस्त व्यस्त है। और ये देखकर या महसूस कर या ऐसा फील कर हम बहुत जल्दी डिप्रेशन या अन्य मानसिक त्रुटियों का शिकार हो जाती हैं। कई क्वींस तो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं इस इम्बैलेंस से कि वो सुसाइड कमिट कर लेती हैं, अपनी लाइफ एंड कर लेती हैं। लेकिन लाइफ ऐसे एंड होती नहीं है क्वींस, ये तो एक एनर्जी का साइकिल है, ये तो एक ऊर्जा का साइकिल है। और जब तुम एक ऊर्जा के साथ अपने जीवन को छोड़ती हो ना, तो वही ऊर्जा डिसाइड करती है कि तुम्हें फिर से कौन सा फिजिकल फॉर्म लेना है। इसीलिए यहां से बच के जाना आसान नहीं है, आसान क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें इस रणभूमि में, अगर तुम इसे रणभूमि समझती हो, तुम्हें इस प्लेग्राउंड में, अगर तुम इसे प्लेग्राउंड समझती हो, तुम्हें इस रंगमंच में, अगर तुम इसे रंगमंच की तरह देखती हो, अपने आप को इस तरह से स्टेबलाइज करना है, इतने सुंदर तरीके से अपने आप को बैलेंस करना है कि चाहे तुम एक पैर पे डांस करो, चाहे तुम अपने पूरे शरीर के साथ डांस करो, गिरना अलाउड है लेकिन भागना अलाउड नहीं है। क्योंकि भागने पर तुम्हें एक बार तो ऐसा महसूस होगा कि तुमने स्टेज छोड़ दिया, लेकिन दूसरे ही पल तुम स्टेज पे अपने आप को और भी ज्यादा मीगर रोल करता हुआ पाओगी। क्योंकि जिस ऊर्जा के साथ छोड़ोगी, उसी ऊर्जा के साथ कुछ एडिशन एड ऑन्स होके तुम एक नए रोल के अंदर अपने आप को पाओगी। और मेरा मानना तो ये है कि वो रोल तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं आएगा। इसीलिए भागना नहीं है क्वीन, भागना नहीं है, हमें सीखना है, तालमेल बिठाना सीखना है। और केवल प्यार और शांति के भाव ही हमें ये तालमेल सिखा सकते हैं। बाहर की पावर के पीछे ना भागकर अपने अंदरूनी पावर, अंदरूनी ताकत के साथ कनेक्ट करने से ही हम असल मायने में सशक्त हो सकते हैं। जब हम अपने इन पांच इंद्रियों के गेम से बाहर निकलती है ना, एक बॉक्स के अंदर जीते हैं हम, जिसके अंदर जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, केवल वही चीजें हमें समझ में आती हैं या वही चीजें सच समझते हैं हम लोग। लेकिन जो छठी इंद्री है हमारी,
वही एक्चुअल में हमें अपनी अंदरूनी ऊर्जा, अंदरूनी शक्ति या ताकत के साथ जोड़ती है। और उस छठी इंद्री का नाम है अध्यात्म, उसका नाम है स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, वो एक बहुत बड़ा अनंत सागर है, अनंत आनंद से भरा हुआ, अनंत सुख शांति और प्यार से भरा हुआ सागर, जो एक्चुअल में हमें रन करता है, जो एक्चुअल में इस पूरे ब्रह्मांड को रन करता है। एक वो ईश्वरीय ऊर्जा है वो, जो हमें हर काम को कर दिखाने की क्षमता से भरता है, हमें हर परिस्थिति में सुंदरता देखने के भाव से भरता है। इससे जुड़ने का सबसे आसान, सबसे प्यारा, सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने आप से दोबारा प्यार करना, अपने आप से दोबारा एक सानिध्य क्रिएट करना। मैंने अपने पिछले लाइव सेशन में मेरी क्वीन से एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने उनसे, आप लोगों से केवल ये कहा कि आप लोग अपने लाइफ के रोल्स को, ज्यादा नहीं, सिर्फ टॉप 3 रोल्स को प्रायोरिटी के हिसाब से मेरे सामने लिखिए। ज्यादातर क्वींस ने बोला कि पहले नंबर पे मैं अपनी मां होने के रोल को रखती हूं, दूसरे नंबर पे मैं अपने वाइफ होने के रोल को रखती हूं, और तीसरे नंबर पे मैं अपने बेटी होने के रोल पे रखती हूं। कई लोगों ने थोड़े बहुत बदलाव किए, ज्यादातर मां सबसे ऊपर रोल आया, दूसरे नंबर पे या तो एज अ बहू या एज अ बेटी उनका रोल आया, और तीसरे नंबर पे वाइफ की तरह, फ्रेंड की तरह, सिस्टर की तरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा अन्य रोल आ गए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पता है क्या था क्वींस? जिस रिश्ते से हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस होती है, जिस रिश्ते से हमें सबसे ज्यादा चीजें मिलती हैं, क्योंकि हमारा बेसिक नेचर जो असल में देना है, असल में अपने एक्सेस भावों को छलकाना है, वो अब बदल कर लेना बन गया है। हम हर चीज से लेना चाहते हैं, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति, हर रिश्ते से सिर्फ लेना चाहते हैं और लेना जानते हैं। लेते लेते ही हम पैदा होते हैं और लेते लेते ही हम मर जाते हैं एक दिन। देना हम जानते ही नहीं, तो इसीलिए जो रिश्ता हमें सबसे ज्यादा देता है, हम उस रिश्ते को अपने टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। अगर हमारा रिश्ता इस टाइम हमारे बच्चों के साथ सबसे अच्छा चल रहा है, सबसे सुंदर चल रहा है, तो हम टॉप प्रायोरिटी पे बच्चों को रखते हैं। सेकेंड नंबर पे हम, अगर हमारे हस्बैंड हमें प्यार करते हैं, हमारी सास या हमारे माँ बाप, तो हम उस हिसाब से अपने रोल को निर्धारित करते चले जाते हैं। लेकिन सबसे ऊपर आना चाहिए तो क्या क्वींस? सबसे ऊपर आना चाहिए हमारा रिश्ता हमारे साथ, हमारा प्यार सबसे पहले हमसे शुरू होना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप को, अपने लिए इतने प्यार, इतने सत्कार, इतने आदर भाव, इतनी श्रद्धा से भर लेना चाहिए कि बाद में वही भाव छलक छलक कर हमारे अन्य रिश्तों तक पहुंचे। जरूरी है अपने आप को प्यार करना। इस पर मेरी क्वींस पूछते हैं, कैसे करें हम अपने आप को प्यार? डॉक्टर शिवांगी, इस वैलेंटाइन्स पे क्यों नहीं तुम अपने आप को प्रॉमिस करती कि इस बार मैं ही अपनी वैलेंटाइन खुद बनूंगी, इस बार मैं अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करूंगी, आज से मैं प्रण लेती हूं कि सबसे पहला प्यार मेरे जीवन का मैं खुद हूं। इसे किसी भी तरीके से सेल्फिश होना या किसी भी तरीके से संकीर्ण दिमाग का होना मत समझना। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। खुद से प्यार करना भी एक कला है क्वींस। जब हम हर काम में होते हुए, हर अपने डेली रूटीन में होते हुए, हर एक के साथ बातचीत करते हुए, हर एक के साथ एंगेज करते हुए, तब भी अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं, यानी कि अपने मन की शांति, अपने अंदर के प्यार को खत्म नहीं होने देते। चाहे कुछ भी हम महसूस कर रहे हो, सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो, कैसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आई हुई हो, कितना ही बुरा एहसास हमें कराया जा रहा हो या कराया जाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन तब भी तुम अपने आप को ऊंची प्रायोरिटी पे तब रखोगी, सबसे ऊपर अपना रोल तब रखोगी क्वींस, जब तुम अपने मन की शांति, अपने मन के भाव
प्यार को कम ना होने दो, तब तुम्हारा तुमसे रिश्ता अपने आप से स्वयं से रिश्ता फलीभूत होगा। तुम इतनी संपूर्ण हो जाओगी, तुम्हारे अंदर की ताकत इतनी ज्यादा लाइट अप हो जाएगी, इतनी ज्यादा प्रकाशमान हो जाएगी कि वो प्रकाश अन्य सभी परिस्थितियों पर बिखरेगा, अन्य सभी रिश्तों पर जाएगा क्वींस। और इस चीज के लिए कि तुम किसी भी मुश्किल परिस्थिति में केवल और केवल खुद पर ध्यान दो, इसके लिए आज मैं तुम्हें दो बेहतरीन तरीके बताती हूं फटाफट। पहले तो हर सिचुएशन में, चाहे मैं अभी तुमसे बात भी कर रही हूं, इस सिचुएशन में भी जब मैं मुंबई गई थी तो वहां पर मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सी एक्सरसाइज करवाई अपनी क्वींस को। मैंने उन सबसे कहा कि तुम बिना किसी मिरर का उपयोग करे, बिना किसी शीशे का उपयोग करे अपने आप को मेकअप लगाओ। सबने कहा अरे डॉक्टर शिवांगी हम तो भूत बन जाएंगे ऐसे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा काजल कहां जा रहा है, हमारी लिपस्टिक कहां फैल रही है, हमारा मस्कारा कहां जा रहा है, ऐसे कैसे पता चलेगा। मैंने कहा बिल्कुल पता चलेगा, तुम जानती हो कि तुम कैसा दिखती हो, तुम जानती हो कि इस टाइम तुम्हारी आंखों की पलकें कैसे बार बार झपक रही हैं, तुम जानती हो कि तुम्हारे हाथ इस टाइम बात करते हुए या मेरा वीडियो सुनते हुए कैसे एक दूसरे पर ऐसे करके आराम से बैठी हो, या कहां तुम्हारे हाथ हैं, कहां तुम्हारे पैर हैं, कैसे तुम्हारे पैर तुम्हारे पूरे शरीर को इस टाइम कंट्रोल करे हुए हैं, कैसे तुम्हारा मन एक सागर, शांत सागर की तरह धीरे धीरे हिचकोले खा रहा है और शांति की किरणें तुम्हारे पूरे शरीर में फैला रहा है। तुम जानती हो कि इस समय तुम्हारे होंठ कैसे धीमी धीमी मुस्कान में बदलते जा रहे हैं, तुम जानती हो कि कैसे इस समय अंदर तुम्हारी जीभ तुम्हारे दांतों को हल्के से टच करे हुए है, कैसे तुमने हल्के से अपने गले में गिटकी ली और कैसे तुम्हारी सांसें चल रही हैं धीमी गति पर लेकिन डीपली गहराई में, क्योंकि हम बातें ही ऐसे कर रहे हैं कि सांसें गहराई में और धीमी गति पर चलें। जब हम किसी भी सिचुएशन में फंसी हों, जब हम किसी भी सिचुएशन में पावरलेस महसूस कर रही हों, अशक्त महसूस कर रही हों, निशक्त महसूस कर रही हों, शब्दों में क्या रखा है बात को समझो, किसी भी सिचुएशन में तुम्हें शक्तिहीन महसूस हो रहा हो तो उस समय अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कर लेना। कहीं तुम्हारी उंगलियां तुम्हारी नसें ऐसे तनी तो नहीं हुई, अगर हाँ तो उन्हें ऐसे रिलैक्स कर देना। कहीं तुम्हारे पाओं की उंगलियां ऐसे जकड़ी तो नहीं हुई कि अभी क्या होगा क्या होगा, तो उन्हें ऐसे रिलैक्स कर देना। कहीं तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत तेजी से तो नहीं ऐसे ऐसे हो रही है, तो उसे लंबी लंबी सांसें लेकर रिलैक्स कर देना। ये है तुम्हारी असली शक्ति, अपने रिमोट को अपने हाथ में रखने की शक्ति। और जब हम सब बाहरी चीजों को कंट्रोल में करने की बजाय सिर्फ अपने आप को कंट्रोल में करना सीख जाते हैं ना क्वीन, तो हम सशक्त होती हैं, किसी भी पढ़ाई से ऊपर सशक्त हो जाती हैं, किसी भी जॉब कितने ही पैसों से ऊपर सशक्त हो जाती हैं। हमें मर्दों की तरह बिहेव करने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम सशक्त होती हैं, क्योंकि हम अपने आप को देखने की शक्ति हासिल कर चुकी होती हैं, क्योंकि हम आध्यात्म में अपना पहला कदम रख चुकी होती हैं, अपने आप से प्यार करना सीख चुकी होती हैं क्वींस। ये था पहला तरीका अपने आप से प्यार करने का। अब दूसरा तरीका, दूसरा तरीका इससे भी ज्यादा इजी है, बहुत बार बता चुकी हूं फिर से बता रही हूं। हर रोज सुबह सूरज के सामने अपनी बाहें फैलानी है और लंबे लंबे सांसों के साथ जोर जोर से बोलना है, मैं सशक्त हूं, मैं अनंत प्यार और सकारात्मक ऊर्जा से भरी हूं। जिसे हिंदी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इंग्लिश सुनो, मैं पॉजिटिविटी से भरी हूं, इनफाइनाइट पॉजिटिविटी से, मैं इनफाइनाइट प्यार से जुड़ी हूं, मेरे अंदर प्यार और शांति का ब्रह्मांड है,
जो इस प्यार और शांति को मेरे सभी रिश्तों में छलकाता है। मैं एक बहुत ही सशक्त माँ हूँ, मैं एक बहुत ही प्यारी समझदार पत्नी हूँ, मैं एक बहुत ही सुंदर लायक समझदार बेटी हूँ, मैं एक बहुत ही प्यारी औरत हूँ, मैं एक बहुत ही संपूर्ण आत्मा हूँ, मैं एक संपूर्ण ब्रह्मांड हूँ, सब कुछ करने की काबिलियत रखती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, मेरा रिमोट मेरे हाथ में है, मेरी शक्ति मेरे हाथ में है। इस तरह की एफर्मेशंस यानी कि पॉजिटिव बातों से जो आज अभी प्रेजेंट टेंस में बोली जाती हैं, अगर तुम अपने सवेरे की शुरुआत करोगी तो मजाल है कि मेरी क्वींस तुम्हें अपने आप से प्यार ना हो। असली शक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। जरूरत है तो इस बार अपना वैलेंटाइन खुद को चूज करने की, जरूरत है तो इस बार खुद से प्यार दोबारा शुरू करने की, जरूरत है तो इस बार बाहरी रूपरेखा, बाहरी ताकत। कई बार मैं देखती हूँ लोग बोलते हैं अपने आप को पैम्पर करो, सलोन में जाओ, स्पा में जाओ। ठीक है, ये सारी बातें सेकेंडरी हैं, ये भी करो, इनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अपने बाल कलर कराती हूँ, मैं भी स्पा लेती हूँ, मैं भी बहुत कुछ करती हूँ, तुम भी करती हो, इसमें बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपने साथ सानिध्य बनाने की, सबसे ज्यादा जरूरी है दिल से अपने आप को अपनाने की। जैसे हम हैं हम बहुत सुंदर हैं क्वींस, जैसे भी हम हैं हम बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं। हमें पता है कि अगर कोई इंसान हमें हमारी बाहरी रूपरेखा से नीचा खींचना चाहता है तो खींच लो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता हमारी बाहरी रूपरेखा कैसी है। हम किसी भी समय किसी भी पॉइंट को तवज्जो देना बंद कर सकती हैं, किसी भी समय अपनी अंदरूनी शांति को, अपनी अंदरूनी ऊर्जा को तवज्जो देना शुरू कर सकती हैं। ताकत तुम्हारे पास है, चाबी तुम्हारे पास है, कब किसकी बातों को कितने अंदर तक लेके जाना है तुम्हारे हाथ में है, किसी अन्य के हाथ में नहीं। ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत सारे टेक्निक सीखने के लिए, अलग अलग तरीकों से अपने आप को सशक्त बनाने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं 24 फरवरी को गुजरात में अहमदाबाद में। रजिस्टर कराया ना, अपने साथ अन्य सभी क्वींस को लेके आना और कोशिश करेंगे इतनी सकारात्मक ऊर्जा जनरेट करने की कि मेरी क्वींस ये दिन कभी ना भूल पाए और इसे अपने लिए एक चेंज ओवर पॉइंट बनाए, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बनाए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज YouTube पे आकर सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकॉन दबा दो, साथ ही हमें Facebook पर जहां हमारा क्वींस क्लैन बहुत बड़ा है वहां आके फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए क्वींस क्लैन को। साथ ही साथ Instagram पे भी हूं, Twitter पे भी हूं, फॉलो करो क्वींस और इस पॉजिटिविटी, इस क्वीनिज्म को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। वैलेंटाइंस डे पर साथ आना मत भूलना, थर्सडे को सोचकर सोचो सेशन में वैलेंटाइन स्पेशल बातें करेंगे, मनाएंगे साथ में मिलकर प्यार भरा ये दिन। ठीक है, आई लव यू ऑल, आपका ध्यान रखना, बाय बाय।